हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आईक्यूकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं मैथ्स यानी कि गणित के चार अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गया हूं दोस्तों, जिसको आप बिना पेन उठाए कैसे सोल्व करोगे मैं आपको बताने वाला हूं। मात्र और सिर्फ 2 सेकंड में आपको कैसे सोल्व करने हैं, ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है सेशन। जैसे NTPC, SSC, पटवारी, राजस्थान पुलिस और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं और सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, RPF वगैरह सभी, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो तो डेली सेशन चला रखा है। इससे पहले कि अभी तक वीडियो नहीं देखी है दोस्तों आपने, तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि शेयर ट्रिक के साथ आपके लिए मैं वीडियो बना करके लेता हूं जिसमें मात्र 4 प्रश्न होते हैं और इतने शॉर्ट ट्रिक कि सारे दिन आपको मैं शॉर्ट ट्रिक ढूंढता हूं फिर आपको बताता हूं कि क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है इन प्रश्नों में। तो दोस्तों ये बार बार में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका सेशन का पहला प्रश्न क्या है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:4 होगा। वर्तमान में अमित की उम्र वर्षों में कितनी होगी, तो आपको बताना है अमित की उम्र क्या होगी वर्तमान में। तो आप ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को, यहाँ पर बोला जा रहा है अमित क्या है, वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, तो आपको ध्यान देना है इस जगह पे अमित क्या है, वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। उसके बाद साफ लिख रखा है 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, तो 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, 5:4, इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं। तो वर्तमान में उम्र का अनुपात बताना है, तो अनुपात इसके बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 4 वर्ष बाद भी आप देखोगे तब भी अनुपात तो वही रहना है, आप 20 साल बाद देखोगे तब भी अनुपात तो वही रहेगा, या वर्तमान में देखोगे तब भी वर्तमान उम्र तो क्या रहेगी उनकी, अनुपात सेम रहता है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान कुछ भी हो वर्तमान में किसी में भी आपका अनुपात नहीं चेंज होता। तो यहाँ पर अनुपात है, अनुपात में अंतर कितना आ रहा है आपको ये देखना है, तो इनमें अंतर आ रहा है 1:1 का, ठीक है। तो 1:1 बराबर कितना हो जाएगा, अमित वर्तमान में क्या है, तो देख सकते हो अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, तो 1:1 बराबर कितना आ जाएगा, 5, यानी कि आपका वर्तमान जो अमित है वो वैभव से कितना है, 1:1 बराबर 5 वर्ष बड़ा है। तो आपसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष वाले का निकलवाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष, 5:1 बराबर कितना होगा, 25, आपसे बोल दे 4:1 बराबर कितना हो जाएगा, 20, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 25 और 4 5 20 के हिसाब से ये वैल्यू आ गई 25, तो इसकी आ गई किसकी, अमित की उम्र, और इसकी कितनी आ गई, वैभव की 20 वर्ष, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, आपको ध्यान देना है आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर वर्तमान आयु, तो ये रेशियो कब का है, 4 वर्ष बाद का है, यहाँ पर लिख रखा है साफ साफ देख सकते हो, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का, 4 वर्ष बाद है, आपसे पूछा कब क्या गया है, यानी कि वर्तमान का, यानी कि इसमें से 4 वर्ष घटा लोगे तो 25 में से 4 गए तो कितने आ गए, 21, ठीक है, आपको 21, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमित की पूछी गई है शुरू वाला कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है, अमित, तो अमित की उम्र हो जाएगी 21 वर्ष। उसके बाद बात करते हैं वैभव की, यदि वैभव की पूछ ली जाती आपसे वर्तमान उम्र, तो इसमें से 4 माइनस कर देते तो कितनी आ जाती, 16, ठीक है, तो 16 आ जाती, तब तो आपसे पूछा पर क्या गया है, यहाँ पर अमित की वर्तमान उम्र, तो 4 घटा दिया अपन ने जो रेशियो है 4 साल बाद का उसमें से, ठीक है, तो अपनी कितनी आ गई, 21, तो डी ऑप्शन राइट हो गया। एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको मैं, इतना आपको पेज भरने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं इसमें एक्स मान के वाई मान के क्या करते हैं बहुत सारे प्रश्न, तो आपको वैसे नहीं करना है दोस्तों, कोई जोड़ते हैं 5 वर्ष बाद ऐसे बढ़ गया, एक्स मान लिया फिर वाई मान लिया, तो आप वैसे सोल्व करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ दोबारा एक बार समझा देता हूँ। अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बढ़ा है, तो 5 वर्ष बढ़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना होता है, 5:4 होगा, तो वर्तमान अमित की उम्र क्या होगी, तो 4 और 5 में रेशियो कितना का अंतर है, 1 का, तो 1:1 बराबर यहाँ नजर आ रहा है कितने बढ़ा है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष कर लेंगे, तो फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अनुपात में उम्र आ गई इनकी। इसके बाद क्या करेंगे, पूछा गया अपन से 4 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान उम्र पूछी गई है यहाँ पर वर्तमान, तो वर्तमान में क्या करेंगे, 4 घटा देंगे तो कितना आ गया, 21, तो ये अपना 21 क्या राइट आंसर हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छा समझ में आएगा। सब दोस्तों कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट कर दिया करो डेली, ठीक है। चलते हैं सेकंड प्रश्न की बात करते हैं, तो सेकंड प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप दोस्त क्या करोगे इसको क्वेश्चन को 2 पेज में करोगे और 10 मिनट यहाँ पर खर्च होने वाले हैं, तो आपको इस 10 मिनट को किस में चेंज करना है, मात्र 5 सेकंड में चेंज करना है, और 2 मिनट को देख सकते हो यहाँ पर 2 पेज को किस में चेंज करना है आपको, केवल 1 लाइन में। तो कैसे करोगे मैं आपको बताऊँगा इसको, तो यहाँ पर यह प्रश्न कैसे करना है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 1 बिन के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 7/9 बनता है,
एवं अंश और हर में तीन घटाने पर वह एक बटा दो बनता है। तो आपको भिन्न बतानी है, तो भिन्न कौन सी होगी आपको बताना है। तो इसको किस विधि से करेंगे अपन, गो थ्रू ऑप्शन की विधि से इसको सोल्व करने वाले हैं। तो जो चारों ऑप्शन दे रखे इसी से अपन सोल्व करेंगे इसको। तो ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप देखते हैं यहाँ पर एक भिन्न में हंस और हर में क्या करते हैं, दो जोड़ते हैं। तो अपन पहले ऑप्शन में दो जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसमें क्या करते थे, दो जोड़ दिया। तो ये कौन सी ऑप्शन क्या बन जाएगा, पाँच में दो जोड़ा तो सात और सात में दो जोड़ा तो नौ, तो सात अनुपात नौ। तो दोस्तों अपना सात अनुपात नौ आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ये सही है मामला। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से क्या आगे क्या बोला गया है। एवं अंश और हर में तीन घटाने पर एक बटा दो बनता है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें क्या घटाते हैं, तीन घटा लेते हैं। तो पाँच बटा सात में अपन तीन घटाते हैं, तो तीन घटाते हैं तो क्या आ गया अपना, तीन घटाए पाँच में से तो दो और सात में से तीन घटाए तो चार, फिर इसको दो से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, एक बटा दो, यानी कि ये भी बन रहा है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपको कि आगे और ऑप्शन जो चेक करने, नहीं आपको जहाँ पर आंसर आ गया वही आपको टिक लगा के निकल जाना है आगे, क्योंकि इससे क्या होता है टाइम बचत होती है और आपके पास बिल्कुल मिनिमम समय होता है। तो आप कम समय में आपको क्वेश्चन करना है कैसे भी करके, तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वहाँ एग्जाम सेंटर में, तो आप डायरेक्ट वहाँ देखोगे और डायरेक्ट आंसर दे दोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर बोला गया वैसे वैसे आपको ऑप्शन में करना है दो जोड़ने पर, तो सब में क्या कर दोगे, दो जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा, सात बटा नौ हो जाएगा। जल्दी जल्दी करोगे, पाँच में से तीन घटाना है, यहाँ पर तीन बोला गया तो तीन तीन माइनस कर लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दो बटा चार, इसका डायरेक्ट भाग दे दोगे दो आ गया, यानी कि एक बटा दो। तो इसे आप जल्दी से कर लोगे एग्जाम में। तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे करना है जल्दी जल्दी, आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ जल्दी एग्जाम में कैसे करना है और आप आराम आराम से कैसे करना है। तो आप दोनों ट्रिक देख सकते हो। यदि आपको ये नोट्स बनाने को लगता है कि अपन को नोट्स बनाने चाहिए इसके, तो दोस्तों इसका नोट्स बनाया करो डेली, क्योंकि ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामों की दृष्टि से। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरा प्रश्न। यदि 2x प्लस 3 बराबर 9 है तो 3x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको वैल्यू निकालनी है, इसको बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मेथडों से कर देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको सोल्व कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपन पूरी जानकारी के साथ पूरा जान लेते हैं इसको। तो इसमें आपको करना होगा जो मैं बताऊँगा आपको, ये मेथड अपनानी है। तो यहाँ पर ये दे रखा है, इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3 बराबर 9। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस 3 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो कितना बच गया, 6। तो अब x को बराबर कितना आ जाएगा, 6/2। तो इसको कितने बार कट गया, ये 3 बार। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो x बराबर 3 आ गया, तो अभी 3 को क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 3 × 3 + 2, तो 3 × 3 कितने हो गए, 9, और प्लस 2 कितने हो गए, 11। कितने हो गए, 11। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा फिर आपको समझा देता हूं मैं, आपको ये वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना क्या है, सॉरी आपको निकालना है ये। तो इसको कैसे निकालोगे, तो आपको मैं बताता हूं यहां पर। तो ये देख पा रहे होंगे, इसको लिख लेते हैं 2x + 3 = 9। तो 9 में से 3 जाएगी इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगा, तो 9 में से 3 गए तो इसको डायरेक्ट आप कर लेंगे 6। फिर x का भाग, 2 का भाग दे लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 3। फिर 3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, 9 + 2 कितना आ गया, 11। 11 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे शेयर कर दीजिए। और यदि आपको PDF लेनी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो या इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलते हैं आपको आगे, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, यदि ए बराबर 16 बी बराबर 5 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब का मान बताना है आपको। तो इसको सोल्व कैसे करोगे, इसको सोल्व करोगे ऐसे, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, तो ए 16 का स्क्वायर करोगे, बी यानी कि 5 का स्क्वायर करोगे, प्लस ए बी 16 और 5 को गुणा करोगे, फिर ए का क्यूब करोगे, फिर बी का क्यूब करोगे, तो आपका कम से कम यहाँ पर 5 मिनट तो गए, 5 मिनट तो गए सीधे सीधे। आपको बचे 55 मिनट, यदि मान लो 60 मिनट का कोई पेपर है, आपके बचे 55 मिनट, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ऐसे। तो आप क्या करोगे, 100% में से केवल ओनली 50% सोल्व कर पाओगे, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो इतना टाइम नहीं लगाना आपको, मैं बताता हूँ यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक। तो आप को यूज करनी है शॉर्ट ट्रिक, तो आप सभी को पता होगा ये चीज़, तो आपने से रहने देंगे
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होगा, तो मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका ए इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले को इसके नीचे लिख देंगे अपन ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला तो पोर्शन कट जाएगा अपना, बचेगा ए माइनस बी, ठीक है। अपन को मैं लिखा के बता देता हूँ आपको, पहले शुरू वाले को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ऊपर वाले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद नीचे क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसको लिख लेते हैं, ए माइनस बी, आगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिख दिया मैंने, डायरेक्ट आपको याद रखना है। अब ऊपर को पोर्शन आपका और पार्ट और नीचे का पार्ट आपको सेम नजर आ रहा होगा, तो इसको इससे काट देंगे। तो मैंने क्या किया, इसको इससे काट दिया, जो कि आप देख पा रहे होंगे इससे दोनों कट गए, बचे यहाँ पर ओनली ये, क्या बचा ए माइनस बी। तो इसको नीचे ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखते हैं अपन ए बटा क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो गया। आपको एक ही और बी की वैल्यू रख देनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक बटा, यहाँ पर क्या लिखोगे 16 माइनस 5 लिख दिया, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 16 और बी की वैल्यू 5, तो कितना आ गया एक बटा, 16 में से 5 गए तो 11, तो 1/11 यानी कि ऑप्शन किस में नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में। तो 1/11 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में। तो आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या है, ओनली इसकी वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है और ये इससे कट जाएगी, तो बचेगा कितना 1/, ये वाली वैल्यू बचेगी, तो 16 में से बी जाएगा 5 जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1/11, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि आपके लिए यह सेशन डेली चला सके अपन, और आपके लिए ये वीडियो डेली बनती रहेगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, धन्यवाद दोस्तों। आप ऐसे वीडियो देखते रहिए और आपका पूरा हम सेशन तैयारी करवा देंगे दोस्तों, जब तक आपका कोई एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। अपन ये डेली क्लास चला रखी है, कम से कम 100 वीडियो अपलोड करने वाले हैं मैथ के इसमें, तो आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।